हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और बाबा जी होम्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सनी क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में एक रीसेल का घर देखेंगे जो कि लगभग 140 गज का है और ये घर डुप्लेक्स कंसेप्ट में बनाया गया है। 25 फुट बाई 50 फुट इस घर की डायमेंशंस है और ये घर लगभग 8 से 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन में है और इस घर को काफ़ी हद तक रेनोवेट भी कर दिया गया है। कुछ काम इस घर में पेंडिंग है। ये घर हमें एज इट इज़ कंडीशन में मिलेगा, सिर्फ क्लीनिंग और डस्टिंग का काम हमारी तरफ से पेंडिंग है या इस घर में रेनोवेशन के बाद जो मटेरियल यहाँ पे बच गया है एक्स्ट्रा, वो सारा कुछ हटा कर दिया जाएगा। ये घर डुप्लेक्स का सेट में बनाया गया है। इस घर में इंटरनली स्टेयर्स है परमानेंट वाली कंक्रीट की। इस घर में ग्राउंड फ्लोर पे एक स्पेशियस बेडरूम है, बाथरूम अटैच है और एक स्पेशियस ड्राइंग रहने का हॉल है और किचन है। फ्रेंड्स, इस घर में फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK की अकोमोडेशन बनाई गई है और ये घर सनी क्लेव में पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में है। इस घर के आसपास सभी प्लॉट्स पे घर बने हुए हैं, कोई भी यहाँ पे प्लॉट खाली नहीं आपको मिलेगा, पूरी तरह से हैबिटेशनल एरिया में है। एक एंट्रेंस इस घर में उस साइड से है, उस साइड पे 60 फीट की रोड से डायरेक्ट एंट्रेंस है और इस एरिया को उस तरह से गेटेड किया गया है। उसी गेट के पास मार्केट है जहाँ पे आपको डेली नीड की हर चीज़ ही मिल जाया करेगी और इस घर के आसपास बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं। और एक एंट्रेंस इस घर में उस साइड से है, उस साइड पे भी 60 फीट की रोड है और उस तरफ की एंट्रेंस को भी गेटेड किया गया है। फ्रेंड्स, ये घर नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस घर को अंदर से भी देखने के लिए चलते हैं। पहले तो हमें मिलेगा एंट्री पे आयरन का काफ़ी हैवी गेट, काफ़ी वाइड एंट्रेंस हमें मिल रही है। साथ ही इस तरफ है बाउंड्री वॉल, इसके ऊपर भी आयरन की रेलिंग लगाई गई है। फ्रेंड्स, ग्रे और वाइट कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है इसकी फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करने के लिए। इस घर में इंटरनली गेटेड एरिया में आपको काफ़ी बढ़िया पार्किंग के लिए स्पेस मिल रही है। मेन पार्किंग इस साइड पे है और इसके अलावा इस तरफ तक पार्किंग के लिए स्पेस है। आपके घर के इंटरनली गेटेड एरिया में 2 गाड़ियां इजीली पार्क हो पाएंगी, साथ ही आपके कई 2 व्हीलर्स भी पार्क हो पाएंगे। और फ्रंट एलिवेशन में बढ़िया प्लास्टर वर्क किया गया है, वाइट और ग्रे कलर का यूज़ किया गया है। बड़े साइज़ की हमें विंडोज़ मिल रही हैं इस घर में वेंटिलेशन के लिए। फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और इस साइड से फ्रेंड्स एंट्रेंस है इस घर में, क्योंकि ये डुप्लेक्स घर है तो इस घर में एक ही तरफ से एंट्रेंस हमें मिल रही है और एक स्टेप के बाद हमें मिलेगा मेन एंट्री डोर। वायर मैश डोर के बाद है मेन एंट्री डोर और फ्रेम वाले डोर्स हैं जिन पे फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। इस साइड पे है ड्राइंग डाइनिंग का हॉल, काफी स्पेशियस। इस तरफ के एरिया को आप ड्राइंग रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। पीछे की साइड की विंडोज़ है, बड़े साइज़ की विंडोज़ है, फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। आप इजीली यहाँ पे 10-12 सीटर सोफा सेट अरेंज करके अपने ड्राइंग रूम को इस साइड पे बना सकते हैं। और आगे की ओर है डाइनिंग टेबल लगाने के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस, आपका इजीली यहाँ पे 6 सीटर या 8 सीटर तक डाइनिंग टेबल भी अरेंज हो पाएगा। और इस तरफ तक हमें मिल रहा है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। और इस साइड पे फ्रेंड्स किचन है। किचन में इस साइड पे हमें मिल रहा है वुडवर्क, जिसपे इस साइड पे है कुकिंग एरिया, गैस सिलेंडर को बाहर रखने के लिए प्रोविजन है और ऊपर की साइड पे चिमनी लगाने का प्रोविजन भी किया गया है। वुडवर्क हमें इस तरफ तक मिल रहा है ऊपर के सेक्शन में भी और नीचे के सेक्शन में भी। इस किचन में वॉशिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है इस साइड पे, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाए गए हैं और वुडवर्क हमें इस साइड पे नीचे की तरफ भी मिल रहा है और ऊपर की तरफ भी मिल रहा है। और इस साइड पे है अलग से स्पेस फ्रिज को रखने के लिए और पूरे वॉल पे टाइल वर्क किया गया है इस किचन में। और फ्रेंड्स, किचन में इस साइड पे एक दरवाज़ा है जहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर के रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं और दोनों साइड पे विंडोज़ भी हमें मिल रही है वेंटिलेशन के लिए। और ग्राउंड फ्लोर पे जो एक बेडरूम है उस बेडरूम से भी हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। तो उस बेडरूम से हम रियर वॉशिंग एरिया को देखेंगे और उस बेडरूम में हम इस साइड से जा सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है इस बेडरूम में। इस साइड पे कपबोर्ड्स हैं जिनमें ड्रेसिंग टेबल भी अटैच किया गया है और बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ इस साइड से। बाथरूम स्पेशियस है, ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग है। इस साइड पे है बाथिंग एरिया जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप लगाया गया है, शॉवर भी लगा दिया गया है और वॉश बेसिन भी इस साइड पे ब्रांडेड लगाया गया है। वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट है और वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है।
और इस साइड पे विंडोज हैं, फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। साथ ही एक दरवाजा है जहां से हम ग्राउंड फ्लोर के रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। रियर वॉशिंग एरिया भी काफी स्पेशियस है, इस तरफ के एरिया को कवर किया गया है। किचन इस साइड पे है, वहां से गैस सिलेंडर को इस तरफ तक रखने लगाने के लिए प्रोविजन है। इंटरनली पाइप की फिटिंग की गई है और ये वाला एरिया सारा ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। किचन से जो एंट्रेंस है रियर वॉशिंग एरिया में वो इस साइड से है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए घर के इंटरनल ही स्टेयर्स हैं, इस साइड से परमानेंट वाली कंक्रीट की, और साथ ही इस तरफ एक गेस्ट यूज के लिए टॉयलेट भी बनाया गया है। इस साइड से फ्रेंड्स स्टेयर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट है और स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है। और फर्स्ट फ्लोर पे एक हमें मिलेगा लिविंग एरिया। फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड पे लिविंग एरिया हमें मिल रहा है और इस तरफ का ये एरिया ओपन रहेगा। डबल हाइट की रूफ है इस एरिया में। और फर्स्ट फ्लोर पे दो बेडरूम्स हैं। पहले आगे वाले बेडरूम को देखते हैं। एक बेडरूम इस साइड पे है फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट साइड पे। इस बेडरूम में इस तरफ कपबोर्ड्स हैं और विंडोज काफी बड़े साइज की हमें मिल रही है। फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और इस बेडरूम में ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है, इस तरफ आप ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं। और इस एरिया में अलग से विंडोज हमें मिल रही हैं इस साइड पे। फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और इसी ड्रेसिंग एरिया के आगे की साइड पे बाथरूम अटैच है इस साइड से। तो ये भी एक स्पेशियस बाथरूम है। बाथिंग एरिया इस साइड पे है जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैप है। और इस साइड पे विंडोज हैं वेंटिलेशन के लिए और वॉश बेसिन इस साइड पे। और इस साइड है फ्रेंड्स वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट। और फर्स्ट फ्लोर पे इस साइड पे एक दरवाजा है इस बेडरूम के साथ बालकनी एरिया में जाने के लिए। तो ये फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट साइड की बालकनी है। इस बालकनी में फ्रंट साइड पे आयरन की काफी हैवी रेलिंग लगाई गई है। और फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम इस साइड पे है। ये है इस घर का थर्ड बेडरूम। काफी स्पेशियस बेडरूम है ये वाला भी। इस बेडरूम में इस तरफ कपबोर्ड्स हैं और ड्रेसिंग टेबल अटैच बनाया गया है। और इस साइड पे है बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। तो ये भी एक स्पेशियस बाथरूम है। इस बाथरूम में भी ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग है। इस साइड पे बाथिंग एरिया में ब्रांडेड मिक्सर टैप है, शॉवर लगा हुआ है। और इस साइड पे है वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट वॉल माउंटेड है। वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए इस साइड पे बड़े साइज की विंडोज है, फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। और जो फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया हमने देखा था उस लिविंग एरिया में इस तरफ विंडोज है, फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। साथ ही एक दरवाजा भी है जहां से हम जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के एक स्पेशियस वॉशिंग एरिया में। इस साइड पे आप वॉशिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। और इसी एरिया से फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स हैं। और ये वाला एरिया सारा ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए इस घर में बैक साइड पे। और फ्रेंड्स इस साइड से स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए परमानेंट वाली कॉन्क्रीट की स्टेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स डबल स्टोरी घर है तो काफी बड़ा छत का एरिया हमें मिल रहा है। और दोनों फ्लोर्स के लिए दो वाटर टैंक अलग अलग हमें मिल रहे हैं। एक वाटर टैंक इस साइड पे है और एक वाटर टैंक इस साइड पे है। और आप इस एरिया में भी कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपने घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। इस साइड से आपको घर का फ्रंट व्यू और अच्छे से दिखेगा।
तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो का। हमारा घर रीसेल का घर है, लगभग 140 गज के प्लॉट के एरिया के ऊपर बनाया गया है। इस घर की बाकी की जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।